जय हिंद आप सभी को। करवा चौथ की मुबारकबाद। आज का वीडियो कोई धार्मिक इशू पर नहीं, पुराने ही वीडियो की तरह एक पीएचडी के इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर है। और वीडियो में जो सूचना आपको दी जाएगी, हो सकता है कुछ लोग को सदमा लग जाए, क्योंकि आज है 13 अक्टूबर और कुछ डिपार्टमेंट के बच्चों को आज ही शाम 5 बजे तक अपने विभाग में रिसर्च प्रपोजल बनाकर ईमेल करना है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट के बच्चों को 15 अक्टूबर तक, कुछ को 16 अक्टूबर तक करना है। और लगभग 16 या 17 अक्टूबर से आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट है। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। 30 के 30 डिपार्टमेंट की मेरिट आ गई है। इंटरव्यू का शेड्यूल कुछ डिपार्टमेंट का नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है डेट के साथ मैं आपको बता दूंगा। कुछ डिपार्टमेंट में प्रपोजल, कुछ डिपार्टमेंट में पीपीटी और कुछ डिपार्टमेंट में दोनों को मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आए हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर जाकर ज़रूर नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन को शब्द शाह यानी कि वर्ड टू वर्ड अनुवाद करके आपको नहीं समझा पाऊँगा, तो लगभग आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पहला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे कि 16 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप लोगों को डिपार्टमेंट की एचओडी की ईमेल आईडी पर अपना रिसर्च प्रपोजल ईमेल के माध्यम से भेजना है। और 16 अक्टूबर सुबह 9 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ही है, रूम नंबर 303 थर्ड फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसका ध्यान रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट है जो है मैनेजमेंट स्टडीज़, इसकी लिस्ट आई है, अभी इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। चाहे आपका स्कोर कितना भी रहा हो, चाहे आपके 100 में से 50 नंबर आए हों या 30 नंबर आए हों या 60 नंबर आए हों, पीडब्ल्यूडी के सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए जाना है फिजिकल मोड पर, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैनेजमेंट स्टडीज़ का शेड्यूल अभी नहीं आया है। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 17 अक्टूबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को एचओडी को सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनाकर नहीं भेजना है, लेकिन आपको रिसर्च प्रपोजल बनाकर ज़रूर लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं जो साथ में आप सभी को लेकर जाने हैं, मैंडेटरी हैं, ज़रूरी और ज़रूरत दोनों हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा शेड्यूल बताने के बाद में। 17 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है, रिपीट कर देता हूँ। एक और डिपार्टमेंट है, इसका शेड्यूल आया है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि बहुत कम बच्चे इसमें बुलाए गए हैं, लगभग 6 ही बच्चे इसमें बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, और उसका शेड्यूल अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा वेबसाइट पर आप देखते रहिएगा। अगला और डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। 17 अक्टूबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और लिस्ट लंबी चौड़ी आई है, 5-6 पेजेस की लिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। और आप लोगों का प्रपोजल आपको कब तक भेजना है ये नहीं बताया गया, लेकिन प्रपोजल बनाकर लेकर ज़रूर जाएंगे। कितनी कॉपी लेकर जाएंगे मैं आपको आगे बता दूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, 15 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक आप लोगों को अपना सिनॉप्सिस ईमेल आईडी पर मेल करना है। 2 ईमेल आईडी हैं, दोनों की दोनों ईमेल आईडी नोटिफिकेशन में दी गई हैं। और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लिस्ट जिन बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो नोटिफिकेशन में दी गई है। एक बात मैं बता दूँ, एंट्रेंस क्वालिफाई और एग्जामिनेटेड कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट अलग अलग आई है, लेकिन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू सेम डेट पे सेम टाइमिंग पे रखा गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपसेंट हो जाते हैं, आप नहीं जा पाते हैं, तो अगले दिन या उसी दिन कुछ घंटे के बाद आपका इंटरव्यू हो जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो टाइमिंग और जो शिफ्ट और जो टाइम आपको बताया गया है, उसी दिन उसी समय आपको रिपोर्ट करना पहुंचना ज़रूरी है, नहीं तो आपका इंटरव्यू दोबारा से नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का इंटरव्यू 17 अक्टूबर को रखा गया है, और आपको जो सिनॉप्सिस या प्रपोजल है वो भी बनाकर लेकर जाना है विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, चलिए। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सांख्यिकी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का इंटरव्यू भी 17 अक्टूबर को ही रखा गया है। आप लोगों को अपना प्रपोजल और पीपीटी बनाकर लेकर जानी है, लिस्ट को लिंक में जाकर चेक कर लीजिएगा जो नीचे दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, 17 अक्टूबर को आप लोगों का भी इंटरव्यू रखा गया है, 9 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइमिंग है, रिसर्च प्रपोजल बनाकर लेकर जाना है, पीपीटी बनाकर लेकर जाना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा।
एक और डिपार्टमेंट है जिसका शेड्यूल आया है, जिसका इंटरव्यू है 17 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर तक आप लोगों को इंटरव्यू के लिए अपना सिनॉप्सिस भेजना है, और डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। 15 अक्टूबर तक सिनॉप्सिस रात 12 बजे तक भेज दीजिएगा। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा, गूगल फॉर्म के लिंक में डिटेल को फिलअप करना है और उसी में अपने सिनॉप्सिस को अटैच करना है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी के साथ के बच्चे सुनेंगे, 17 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आप लोगों का अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है वेबसाइट पर, इस बात का ख्याल रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोगों का भी शेड्यूल अभी तक नहीं आया, एक अच्छी बात। कितने बच्चे कितने नंबर लाए हैं परीक्षाओं में वो तक बताया है डिपार्टमेंट इस वाले ने, साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले में। 17 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है, इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बच्चों का इंटरव्यू 17 अक्टूबर तक है, 17 अक्टूबर को है, 15 अक्टूबर तक दोपहर 1-12 बजे तक, हाँ 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक आप लोगों को अपना प्रपोजल बनाकर भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी नोटिफिकेशन में दी गई है विशेष रूप से एक, उसको आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। प्रपोजल टाइप करके ही भेजिएगा, सभी डिपार्टमेंट के बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रो फिजिक्स, 17 अक्टूबर को आप लोगों का भी इंटरव्यू रखा गया है, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। और HOD को आप लोग मेल कर दीजिएगा सिनॉप्सिस भी और अपना PPT भी। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का शेड्यूल अभी नहीं आया है, केवल लिस्ट आई है PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बोलते हैं, और इसे प्रपोजल बना के तैयार रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी, 17 अक्टूबर को इंटरव्यू है, 15 अक्टूबर तक आपको अपना सिनॉप्सिस भेजना है HOD की ईमेल आईडी पर। सिनॉप्सिस प्लस PPT दोनों ही बनाकर भेजना है, इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। विशेष रूप से हेल्पलाइन नंबर के लिए जो डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है, न्यूट्रिशन बायोलॉजी के डिपार्टमेंट बच्चे सुनेंगे उसका आप लोग यूज़ करेंगे अगर आपको भविष्य में कोई जरूरत पड़ती है तो। डिपार्टमेंट ऑफ EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बच्चों का इंटरव्यू भी 17 अक्टूबर को ही रखा गया है। मोस्टली डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 17-18 अक्टूबर को ही रखा गया है, क्योंकि इस दिन UGC नेट की परीक्षाएं भी नहीं हैं अभी तक। तो EVS के बच्चों का इंटरव्यू भी 17 अक्टूबर को है, और सभी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू नहीं रखा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक EVS के बच्चों को अपना प्रपोजल बनाकर भेजना है, और आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाकर भेजना है PPT, 6-7 स्लाइड में मैक्सिमम रखिएगा उसको, ऐसा नोटिफिकेशन विशेष रूप से कहा गया है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों के अभी केवल लिस्ट आई है, 7 अक्टूबर को रिजल्ट आया था लेकिन अभी इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेटर एंड स्कूल एजुकेशन, आप लोगों की केवल लिस्ट आई है, अभी तक आप लोगों का इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 17 अक्टूबर को आप लोगों का इंटरव्यू है, 15 अक्टूबर तक प्रपोजल भेजना है विथ PPT के साथ में। अगला डिपार्टमेंट है हिंदी, 17 अक्टूबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट है योगा, योगा डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, आप लोगों का रिजल्ट आया है, शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। एक और डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, 17 अक्टूबर को आप लोगों का भी इंटरव्यू रखा गया है, विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे और सिनॉप्सिस वगैरह बनाकर साथ में रखिएगा, PPT बनाकर साथ में रखिएगा इस डिपार्टमेंट के बच्चे। और अगला जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, माफ़ कीजिएगा, एग्जामटेड और एंट्रेंस क्वालिफाई दोनों ही कैंडिडेट की लिस्ट दे दी गई है, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हेल्पलाइन के रूप में नोटिफिकेशन में दे दिया गया है HOD का। एक और डिपार्टमेंट उलझा हुआ डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं मैथमेटिक्स, थोड़ा ध्यान से सुनेगा इस डिपार्टमेंट की खबरों को। 15 अक्टूबर तक सिनॉप्सिस भेजना है शाम 5 बजे तक, PPT बनाकर भेजना है 5-6 स्लाइड में, TADA यूनिवर्सिटी नहीं देगी। प्रपोजल, सिनॉप्सिस, PPT सभी के प्रिंट आउट और 5 कॉपी सभी की बनाकर साथ रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया गया है, 5 मिनट की देरी होने पर आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में कह दी गई है इस बातों को, मैथमेटिक्स का है, इसका ध्यान रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट इसका नोटिफिकेशन आया है फार्मास्यूटिकल साइंस के बच्चों का भी, 13 अक्टूबर जो कि आज है, 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप लोगों को प्रपोजल बनाकर ईमेल के माध्यम से भेजना है। 17 अक्टूबर मॉर्निंग सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग है, 11 बजे से आपका इंटरव्यू है। PPT आपको मैक्सिमम 8 स्लाइड की भेजनी है विद इंट्रोडक्शन के साथ में भेजना है, फ्रंट पेज बनाकर नहीं भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। DRC में आपका टॉपिक प्रेजेंट भी होगा और आपको टॉपिक डिफेंड भी करना होगा, तो 3 कॉपी प्रपोजल की बना लीजिएगा। और आपको ग्राफ, फोटो और डेटा का यूज़ मत कीजिएगा किसी प्रकार की PPT में और प्रपोजल में, एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान, 17 अक्टूबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 15 अक्टूबर जो कि 2 दिन के बाद है, अपना प्रपोजल HOD की ईमेल आईडी पर आपको मेल के माध्यम से भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम है
वाणिज्य यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चों का लिस्ट लंबी चौड़ी आई है, लगभग 13 पेज की लिस्ट है, लेकिन शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन संभावित मान के चलिए 13 या 14 अक्टूबर को, 17 या 18 अक्टूबर को भी आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और एंट्रेंस और एग्जामटेड दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू सेम डेट पर होगा। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लास्ट डिपार्टमेंट इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज 17 अक्टूबर को इंटरव्यू है, 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सिनॉप्सिस बनाकर भेजना है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये थी 30 डिपार्टमेंट की अलग अलग खबरें। अब कुछ कॉमन बातें सुन लीजिए, खासकर आपका डॉक्यूमेंट से पहले सिनॉप्सिस। विदाउट सिनॉप्सिस, विदाउट प्रपोजल, विदाउट पीपीटी कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। जो आपका पीपीटी और प्रपोजल है उसको पेन ड्राइव में या ईमेल आईडी में या फ़ोन में कहीं ना कहीं सेव रखिएगा कि ऑनलाइन अगर आपसे प्रेजेंट करने को कहा जाए तो आप उसको कर सकें। सिनॉप्सिस जो बनाएंगे हाथ से मत लिखिएगा, उसको टाइप करके लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन में जो भी पीपीटी खासकर स्लाइड की संख्या दी गई है, किसी में 7, किसी में 9, किसी में 12 और किसी में 6 तक दी गई है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि किस किस बातों को मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, जो भी रिजल्ट आया है 10th, 12th, UG, PG, MPhil, NET, JRF, SAT, SLAT, GATE, ICHR, ICPR, ICSSR या फिर ICOMR का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, इंक्लूडिंग NCC, NSS, EWS, डिबेट, पोइट्री, एक्सटेम्पोर के जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, विद दो दो फोटो कापी साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। 3 डॉक्यूमेंट और आपको साथ में रखने, यदि आप OBC कैटेगरी में हैं या OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में है तो आपका जो सर्टिफिकेट है 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट और है जो है EWS कैटेगरी का, यदि आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट जनवरी के बाद का बना हुआ है तो ही वैलिड होगा। और एक सर्टिफिकेट और है जो है PWD कैटेगरी के बच्चों का, आपका हरियाणा का होना चाहिए या हरियाणा के बाहर के किसी स्टेट का है तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट और हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंडिया के बाहर रहते होंगे तो आपको वीज़ा की कॉपी, NRI का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी कॉपी, एक एम्बेसी का लेटर, ये भी साथ लेकर जाना है। इसके अलावा यदि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या फिर आप केंद्र शासित राज्यों से, वहाँ का एक परमिशन लेटर भी आपको मिलता है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके बिना भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं, आपको साथ लेकर जाने हैं। 3 डॉक्यूमेंट और रखने हैं, कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा, अपने 2 ID प्रूफ साथ में रखिएगा, और जिस भी माध्यम से आप जाएंगे, खासकर जो विदेशी बच्चे हैं, आने जाने का जो टिकट है उसको साथ रखिएगा। इंडियंस के लिए सुविधा नहीं है क्योंकि इंडियंस के लिए TADA की व्यवस्था नहीं की गई है, इस बात का ख्याल रखिएगा विशेष रूप से। तो ये थी हरियाणा यूनिवर्सिटी की पूरी खबर इंटरव्यू को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले वीडियो में बात करेंगे BHU, JNU या फिर DU की जो नए नोटिफिकेशन आए हैं। अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का ख्याल रखिएगा। आपके पास दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, जहन में कहीं सवाल हो तो पूछिएगा, बात जो समझ में ना आए उसको लेकर सवाल करिएगा और बेझिझक सवाल करिएगा, आपको जवाब मिलेगा। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, आपने अपना समय दिया, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद।